जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। कोरहिया में एसडीओ और डीएसपी ने जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को दी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। मधुबनी जिला के जयनगर प्रखंड के कोरहिया पंचायत के +2 उच्च विद्यालय में मंगलवार को आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में कोरहिया, दोरवार एवं जयनगर बस्ती पंचायत के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने पदाधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही उन लोगों ने इन समस्याओं के निदान के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। जनसंवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीओ वीरेंद्र कुमार और मंच संचालन बीडीओ राजीव रंजन ने किया। इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ एसडीओ वीरेंद्र कुमार, एसडीपीओ विप्लव कुमार, अपर एसडीओ गोविंद कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता सुश्री तनुजा, प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष आशुतोष रंजन ने दीप प्रज्वलित कर किया। एसडीओ ने सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने भी पदाधिकारियों को पंचायत की समस्याओं से अवगत कराया, साथ ही इन समस्याओं के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। एसडीओ ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और उसके निदान का आश्वासन दिया। डीएसपी विपुल कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रत्येक थाना में महिला सहायता केंद्र स्थापित किया गया है। 112 नंबर डायल कर आपातकालीन सेवा प्राप्त कर सकते हैं। 12 से 15 मिनट के अंदर आप तक पुलिस सेवा पहुंचेगी। 1930 पर डायल कर साइबर फ्रॉड की शिकायत दर्ज कराएं। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, हेलमेट पहनें। इस मौके पर कोरहिया पंचायत के मुखिया महेश यादव, दोरवार के मुखिया प्रतिनिधि रामबाबू यादव, जयनगर बस्ती के मुखिया प्रतिनिधि अनिल सिंह, ग्राम विकास युवा ट्रस्ट मधुबनी के सदस्य तारानंद ठाकुर, सविता देवी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, मनरेगा के प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कल्याण पदाधिकारी, श्रम पदाधिकारी, सहायक विद्युत अभियंता, पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता, पीएचईडी के कनीय अभियंता, जीविका दीदी समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। आपका क्या समस्या है सुन पाए और बता पाए, और सरकारी जो योजनाएं हैं अधिक से अधिक और बेहतर ढंग से आप लोगों के पास कैसे पहुंचा पाए। साथ ही इस जनसंवाद कार्यक्रम का जो मुख्य पहलू है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो निगेटिविटी को दूर करना। कुछ कुछ काम नहीं होते हर जगह, घर का काम हो, बाहर का काम हो, आप देखे होंगे कि बहुत सा काम हम प्रायोरिटी में लेते हैं कि यह काम को कर लेते हैं, कुछ काम हो जाते हैं, कुछ काम नहीं होते। इसका यह मतलब नहीं कि हम निगेटिव हो जाए कि कोई काम नहीं होता। जो काम नहीं होते हैं उसको हम अधिक ऊर्जा से, अधिक पॉजिटिविटी से आगे बढ़ के करें। हमारे सभी पदाधिकारी कर अपने योजनाओं के बारे में वो बताए कि इस यह योजनाएं चल रही है, हम सिर्फ उसको कंक्लूड करेंगे। और आपको यह बताना चाहेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट योजना पर भी डिस्कस करेंगे, और यह बताना चाहेंगे कि जो योजनाएं चल रही है सरकार के द्वारा कल्याण के लिए, जो योजनाएं चलाई जा रही है वो बेहतर ढंग से आपके सहयोग से, जो बीच के कड़ी है हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, जो हमारे माननीय सम्मानित जनता के आवाज, उनके आवाज को मेरे पास कैसे आएगा, हम उनकी आवाज को कैसे सुनके उन योजनाओं को बेहतर ढंग से उनको लाभ पहुंचाएंगे, इसी कड़ी को जोड़ने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम को रखा गया। ऑफिशियल्स जितने भी होते हैं वो तो अपना काम करते हैं, लेकिन कई समस्याएं जो है वो जनप्रतिनिधिगण जो है बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं और कैसे उसके सोल्यूशन किया जाए वो भी समझते हैं। इसलिए आप हमारे महत्वपूर्ण कड़ी, जितने भी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण है वो हमारे प्रशासन के महत्वपूर्ण कड़ी है, और आपके सहयोग से जो भी समस्याएं हैं लोगों को, जो लाभ अभी तक नहीं पहुंचा पाए उसको पहुंचा सकेंगे। अब जैसे अभी एक हमारे जनप्रतिनिधिगण बता रहे थे इंदिरा आवास के बारे में, तो हम बताना चाहेंगे कि इंदिरा आवास जो है तीन तरह की योजनाएं चल रही हैं उसमें अभी, और तीनों पंचायत और पूरे जिला के पूरे बिहार में काफ़ी लोगों को, आप गाँव में घूम जाए काफ़ी दिन जो घूमते हैं, काफ़ी लोगों को आवास मिला, ईंट का आवास बनाए जिसमें वो आराम से रह रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं कि सभी को आवास मिल गया, बहुत से लोग हैं जिनको आवास नहीं मिला है, तो काम भी खत्म नहीं हुआ है। प्रशासन जनप्रतिनिधि तो इसलिए है कि जो बचे हुए हैं उसको हम तो पूरा करेंगे, जिनको आवास नहीं है जो पात्रता के कार्य करते हैं
हमारे तीनों पंचायत के आदरणीय मुखिया जन उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं और मीडिया के जितने प्रभारी प्रबुद्ध जनप्रतिनिधिगण और इस मंच के उपस्थित जितने भी लोग हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि ये जनसंवाद कार्यक्रम है, इसमें जनता से संवाद करना है और सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है विभिन्न विभागों की उससे संबंध में जानकारी मुहैया कराना है। आप लोग के बीच एक जागरूकता का कार्यक्रम है जिसमें आप लोग उस योजनाओं को जाने और उसका जो है समुचित लाभ ले सके, समुचित लाभ ले सके उन विभागों से। इसी कड़ी में क्योंकि हमारा पुलिस से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, पुलिस से क्या क्या रही है पब्लिक के कल्याण के लिए, पब्लिक की सुरक्षा के लिए पुलिस का क्या योगदान है, किस तरह से जो है पब्लिक से जनसंवाद कायम किया जा रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो पुलिस के द्वारा जो है एक सबसे अच्छा पहल किया गया है। अभी जो है पुलिस मुख्यालय के ओर से वो डायल 112 है। डायल 112 के माध्यम से होता क्या है कि जैसे किसी भी क्षेत्र में कोई घटना घटी, उस घटना में क्या होता है कि तत्कालीन व्यवस्था में आपको थाना कमांडर मिलता है नहीं मिलता है, तो आप डायल 112 को लगाते हैं, वो डायल 112 मुख्यालय में कनेक्ट हो जाता है और वहाँ से संबंधित डायल के जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी हैं उस क्षेत्र में उसको जो है वो जानकारी मिलती है कि आपके यहाँ पर अमूमन व्यक्ति का कॉल लगा हुआ है, इस तरह की बात आ रही है, इस घटना पे आप त्वरित गति से पहुंचे। तो ये बहुत अच्छा पहल है जिससे आप लोग जो है त्वरित गति से अपना जो है बात रख सकते हैं, कोई परेशानी है, कोई तरह की घटना है, आपातकालीन स्थिति है, तो वो एक अच्छा पहल किया गया है। दूसरा पहल जो है पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति के साथ साथ महिला हेल्प डेस्क हर थाना में स्थापित किया गया है। अब मैं बताना चाहूंगा ये महिला हेल्प डेस्क का किस प्रकार से काम होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में जो विवाद होते हैं वो घरेलू समस्याओं से जुड़े हुए विवाद जाते रहते हैं, पति का प्रताड़ना, सास ससुर का लड़ाई, उस पर जो है प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, इन सब तरह के विवाद जो है प्राय थानों में हम लोग देखते हैं। तो इसको क्या है कि थाना की विधि व्यवस्था से अगर एक महिला हेल्प डेस्क का ये किया गया, शुरुआत किया गया है, हर एक थाना में एक महिला पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति इसके लिए की गई है, वो महिलाओं की समस्याओं को सुनती हैं, उसका जो है केस लिखती हैं और उसका जो है FIR होता है, FIR के बाद जो है पुलिस संबंधित अनुसंधान करके जो भी न्याय होता है। अभी मंच पर बैठी हुई जितनी भी महिलाएं हैं उनको मैं इस मंच के माध्यम से बताता हूँ कि ये महिला हेल्प डेस्क आपके समस्याओं के लिए बना हुआ है। आप हर थाना में जाए तो सीधे जो है महिला हेल्प डेस्क के पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, उस समस्याओं का उसी तरह से अनुसंधान होता है, लेकिन एक विंग बना दिया गया अलग पुलिस में। ये एक बहुत अच्छा कदम है जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। इसके बाद जो है अनुमंडल स्तर पर भी भूमि विवाद के कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अनुमंडल स्तर पर भूमि विवाद मेरा अधिनियम 2009 के अंतर्गत रेती भूमि के गैर कानूनी दखल एवं सार्वजनिक भूमि के आवंटनों को जबरन के गति से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाती है। बिहार भूमि जाति खारिज अधिनियम 2011 के अंतर्गत अनुमंडल स्तर पर अंचल अधिकारी के आदेश कोई भी व्यक्ति अंचल अधिकारी के आदेश प्रोग्राम छे कहाँ प्रचार कदम लेटर है, लेटर है डीओ साहब के अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।